सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गेहूँ में खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बाद यूरिया डालते हैं सभी किसान भाई। तो यूरिया न डालकर अगर उसमें स्प्रे की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। कौन सा स्प्रे करना है उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, ये है NPK, NPK 1919। इसमें नाइट्रोजन है 19%, फास्फोरस है 19% और पोटास है 19%। इसके साथ हम करीब 1.5 किलो यूरिया का घोल बनाकर इसके साथ मिलाएं। और इसी के साथ अगर हम जिंक, सिलेटेड जिंक 12% जो आती है, 100 ग्राम एक एकड़ में काफ़ी है। तीन न्यूट्रेंट तो हम ये मिल गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। चौथा हो गया सिलेटेड जिंक और पांचवा हो गया उसके साथ 1.5 किलो यूरिया। एक एकड़ में इन सभी को मिलाकर स्प्रे करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसका घोल बनाने के बाद 150 लीटर पानी में मिलाओ और एक एकड़ में स्प्रे कर दो। दूसरा है एक 20-20 आता है, NPK 20-20। तीसरा है 52-34, इसमें नाइट्रोजन नहीं है बिल्कुल भी, फास्फोरस है 52% और पोटास है 34%। और इसके साथ सिलेटेड जिंक भी मिला दें और 2 किलो यूरिया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, जीरो है, 2 किलो यूरिया मिलाएं, 1 किलो NPK और 100 ग्राम जिंक, इसका स्प्रे करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गेहूँ में। और अगर डिस्टेंस का जो माइक्रोफूड आता है इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे इसमें जिंक है 5%, फेरस सल्फेट है 2%, मैग्नीशियम है 2%, कॉपर है 0.5%, मोनोबिडलम है 0.5% और बोरोन है 0.50%। इसके साथ साथ इसमें NPK भी मिलता है, NPK ये सब चिलेटेड फॉर्म में है। इसका इसमें है 2.0%, 100 PPM और 90 PPM, ये सब चिलेटेड फॉर्म में है। इसके साथ 100 ग्राम जिंक जो अभी दिखाया था आपको, ये 100 ग्राम जिंक इसके साथ ऐड किया जाए और 1.5 किलो यूरिया। इन सभी को मिलाकर अगर हम गेहूँ में स्प्रे करते हैं तो बम्पर पैदावार देता है, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। अकेला यूरिया तो डालता है गेहूँ में, वो तो मात्र नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, इसमें जिंक भी मिल गया, पोटास भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया। और अगर माइक्रोफूड करता है तो जिंक मिल गया, फेरस मिल गया, मैग्नीशियम है, मोनोबिडलम है, कॉपर है, बोरोन है। ये सभी तत्व ज़मीन के लिए सूक्ष्म तत्व है, बहुत ज़रूरी है, जो हर ज़मींदार उसको नहीं डालता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री।